आज की बात की शुरुआत करते हैं और आज की बात में समाचार प्लस आपके सामने वो खुलासा करने वाला है जिसके सिर पर प्रदेश में टोल के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला होने की पूरी संभावना है। समाचार प्लस के पास हर वो दस्तावेज है जिसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि इस टोल के नाम पर 250 करोड़ का घोटाला हुआ है। कई दस्तावेज तो ऐसे हैं जिनमें दिखाया गया कि काम किए बिना ही सरकार से पैसा ले लिया गया। आज समाचार प्लस इस पूरे घोटाले की हर परत को खोलेगा, जो चीख चीख कर घोटाले की वानगी बयां कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यह है सीकर से झुंझुनू होते हुए लोहारू जाने वाली स्टेट हाईवे, जो 120 किलोमीटर लंबा है और इसे बनाया है आरसीसीएल कंपनी ने। स्टेट हाईवे की सड़क का निर्माण साल 2003 से 2005 तक 46 करोड़ की लागत से पूरा करना था। बदले में कंपनी ने साल 2005 से 2011 तक टोल वसूली का अनुबंध किया था। अनुबंध के मुताबिक कंपनी ने सड़क का निर्माण करवाया और टोल वसूली शुरू कर दी। इस मार्ग पर कंपनी ने 6 टोल नाके बनाए थे, लेकिन इलाके के लोगों को टोल लगाना नागवार गुजरा और टोल वसूली के खिलाफ जन आंदोलन शुरू हो गया। टोल वसूली का सबसे बड़ा खुलासा, विरोध के बाद 6 में से 2 टोल बूथ बंद किए गए। ये बिल्कुल नियम विरुद्ध टोल नाके लगाए गए। नियम यह है कि हर 50 किलोमीटर पर एक टोल होना चाहिए। 120 किलोमीटर की सड़क पर अधिकतम 2 टोल लगाए जा सकते थे, लेकिन 6 टोल लगाए गए। जनता को परेशानी हुई, जनता ने जब विद्रोह किया तो इन्होंने जनता को खुश करने के लिए 2 टोल हटा दिए, जबकि हटने चाहिए थे 4 टोल। फिर भी हर 30 किलोमीटर पर टोल ऑपरेट किए गए और वो आज तक हर 30 किलोमीटर पर ही टोल ऑपरेट किए जा रहे हैं। इसी दौरान झुंझुनू शहर में रोड नंबर 3 पर 1,70,00,000 रुपए की लागत से नाली निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसके एवज में और टोल नाका कम करने की दलील देकर साल 2005 में नाली निर्माण के प्रस्ताव के आधार पर कंपनी ने टोल वसूली की अवधि 6 से 7 महीने बढ़ा दी। ये बिल्कुल आर्बिटरी, बिल्कुल मनमर्जी का फैसला था, जिसको हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भी लिखा है कि तत्कालीन मंत्री के हस्तक्षेप के कारण बिना किसी आधार के इस टोल की अवधि को बढ़ाया गया, जो बिल्कुल गलत है। टोल वसूली की समय अवधि साल 2017 तक बढ़ा दी गई। नियम अनुसार टोल वसूली 2011 तक करने का अनुबंध था। जिस बैठक में फैसला लिया गया था, उस बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने की थी और राठौड़ की अनुशंसा के बाद ये टोल वसूली की अवधि बढ़ाई गई। देखिए, मामला 2005 दिसंबर में शुरू हुआ। एक टोल की सड़क थी जो 2003 से 2005 में जिसको बनाया जाना चाहिए था, और 46 करोड़ के बदले 2005 से 2011 6 साल में 46 करोड़ की वसूली करनी थी। इन लोगों ने 1,70,00,000 की एक प्रस्तावित नाली के एवज में 6 साल के बदले 12 साल 7 महीने तक इस टोल को बढ़ा दिया, यानी उस टोल की अवधि को दुगना कर दिया। इसी मामले में मैंने पीआईएल लगाई हाईकोर्ट में, जिसको सही मानते हुए चीफ जस्टिस सुनील अंबानी जी, तत्कालीन चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने जुलाई 2015 में इस टोल की वसूली पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता यशवर्धन सिंह ने बताया कि आरसीसीएल कंपनी ने नाली निर्माण कार्य पूरा होना बताकर टोल की समय अवधि बढ़वा ली। नाली बनाने का अनुबंध दिसंबर 2005 में किया गया था और इसी अनुबंध के आधार पर सरकार ने टोल वसूली की अवधि 26 दिसंबर 2005 को बढ़ा दी थी। कंपनी को जून 2006 तक नाली बनवाने के निर्देश दिए गए, लेकिन नालियों का निर्माण नहीं करवाया गया। सबसे बड़ा घोटाला तो ये कि नाली निर्माण का अनुबंध दिसंबर 2005 में किया गया, लेकिन सरकारी कागजों में नाली का निर्माण उससे 10 महीने पहले यानी फरवरी 2005 में दिखा दिया गया। नाली निर्माण का अनुबंध दिसंबर 2005 में किया गया, सरकारी कागजों में नाली का निर्माण फरवरी 2005 में दिखाया गया। जी हाँ, प्रस्ताव पास होने के 10 महीने पहले ही नाली निर्माण का काम पूरा हो चुका था। सवाल ये कि दिसंबर 2005 में आखिर किन नालियों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया, जिसके बाद टोल वसूली की समयावधि बढ़ा दी गई। प्रोजेक्ट में हर जगह जितना फायदा ठेकेदार को दिया जा सकता है, ये पूरा नेता, अफसर और ठेकेदार का गठजोड़ है, जिसके कारण जनता से करीब 200 करोड़ से भी ज्यादा की लूट हुई है। और इस मामले में हम 2013 में एंटी करप्शन में गए थे, 2013 में जांच पूरी हो गई, मगर राजनीतिक दबाव के कारण उस जांच को दबाए रखा गया और कोर्ट के इंटरवेंशन, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 2016 में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। साफ है कि घोटाले के इस खेल में क्या नेता और क्या अधिकारी सारे मिले हुए थे, यानी घोटाले के इस हमाम में सारे नंगे थे, जिसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है आम आदमी को, जिसके खून पसीने की कमाई आज तक उन घोटालेबाजों की जेब गर्म कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।
इस पूरे मामले के अंदर एक से बढ़कर एक सवाल खड़े होते हैं। दरअसल उस वक्त के पीडब्ल्यूडी मंत्री गुलाबचंद कटारिया और बाद में मंत्री बने राजेंद्र राठौड़ के अलग अलग मापदंडों ने भी इस मामले पर कई सवाल खड़े किए। आखिर यह सब क्या था, ये रिपोर्ट भी देखिए। आरटीआई एक्टिविस्ट यशवर्धन सिंह की माने तो पीडब्ल्यूडी के एक तत्कालीन आईएएस अधिकारी ने टोल की समयावधि बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, फिर भी नियमों को ताक पर रखकर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट यशवर्धन सिंह ने जनवरी 2013 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में सुनवाई करते हुए दिसंबर 2014 को हाईकोर्ट ने टोल वसूली सरकारी खजाने में जमा कराने के आदेश दिए, जो अब तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की कोई राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल हाईकोर्ट को यह कहा है कि जब तक फाइनल फैसला नहीं हो जाए तब तक टोल की वसूली जारी रख दी जाए, और टोल का जो पैसा सरकारी खजाने में जमा हो रहा है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की रोक नहीं लगाई। पिछले करीब साल भर में 30 करोड़ रुपए के लगभग इस मामले में सरकारी खजाने में अब तक जमा हो चुका है। जनता से वसूला जा रहा टोल का पैसा सरकारी खजाने में जा रहा है, लेकिन अब आपको वो सुनाते हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये बड़ी मजेदार बात है कि एक प्रोजेक्ट में दो तरह के पैमाने काम में लिए गए। एक प्रोजेक्ट में जब गुलाबचंद कटारिया मंत्री थे तब सीकर बाईपास का अतिरिक्त काम इसी प्रोजेक्ट में जोड़ा गया, जिसकी लागत थी 98 लाख रुपए। तो जब कैलकुलेट किया गया तो 98 लाख के बदले 49 दिन का समय निकाला गया कि 49 दिन में 98 लाख की वसूली हो जाएगी। फिर ठीक एक साल बाद जब दूसरे मंत्री बन जाते हैं तो उन मंत्री महोदय के सामने जब 1 करोड़ 70 लाख की प्रस्तावित राशि की बात आती है तो 1 करोड़ 70 लाख के बदले 6 साल 7 महीने का समय बढ़ा दिया जाता है। यानी 1 करोड़ 70 लाख के बदले पीडब्ल्यूडी के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से करीब 228 करोड़ रुपए की अतिरिक्त टोल वसूली की इजाजत दे दी जाती है। तो ये अलग अलग पैमाने अलग अलग मंत्रियों के कार्यकाल में काम में लिए गए। यानी गड़बड़ी तो हुई है जिसकी जाँच चल रही है। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इस पूरे मामले में कब क्या हुआ। सीकर लुहारू सड़क पर टोल बनाने का प्रस्ताव रखा गया। आरसीसीएल की निविदा सबसे कम यानी 46 करोड़ 17 लाख रहने पर उसे टोल वसूली का ठेका दे दिया गया। टोल रोड का निर्माण 15 जनवरी 2003 से शुरू होकर 15 फरवरी 2005 को खत्म करना था। टोल की अवधि 103 महीने 15 दिन यानी 8.5 साल तक तय की गई थी। 120 किलोमीटर की दूरी के लिए 6 टोल बूथ लगाने तय किए गए थे। विरोध के बाद 2 टोल नाकों को बंद कर दिया गया। नाले निर्माण का अनुबंध दिसंबर 2005 में किया गया। सरकारी कागजों में नाले का निर्माण फरवरी 2005 में तैयार था। नियमानुसार टोल वसूली 2011 तक करने का अनुबंध था। टोल वसूली की समयावधि 2017 तक बढ़ा दी गई। तो ये है उस घोटाले का मकड़जाल जिसमें सालों से फिस रहा है आम आदमी, लेकिन इसके तार जुड़े हुए हैं सरकार से और सरकार के आला मंत्रियों से। आवाम को इंतजार है इंसाफ का। बड़ा सवाल ये कि घोटालेबाज सलाखों के पीछे चले जाएं तो भी वो पैसा आम आदमी की जेब तक वापस कैसे पहुंचेंगे, जो उनसे सालों तक बिना मतलब वसूल किए जाते रहे। जयपुर से नीरज और झुंझुनू से प्रदीप सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो धांधली से भरे इस पूरे खेल का खुलासा समाचार प्लस ने किया, लेकिन इस पूरे खेल के बाद कई सवाल भी खड़े होते हैं जो हर एक्शन के बाद उठे हैं। जरा आप भी देखिए वो कौन कौन से सवाल है जो समाचार प्लस इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर उठा रहा है। समाचार प्लस के सवाल। सवाल नंबर 1, अक्टूबर 2013 में जांच अधिकारी ने आरसीसीएल के डायरेक्टर पर मुकदमा दर्ज करने को कहा, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। सवाल नंबर 2, 46 करोड़ के बदले 6 साल टोल वसूली दी गई थी तो महज 1 करोड़ 70 लाख के बदले 6 साल 7 महीने के अतिरिक्त टोल वसूली कितना सही। सवाल नंबर 3, कटारिया ने साल 2004 में इसी प्रोजेक्ट में 98 लाख के अतिरिक्त काम के लिए 49 दिन टोल वसूली के निर्देश दिए, फिर 2005 में राठौड़ ने महज 1 करोड़ 70 लाख के एवज में 6 साल 7 महीने का अतिरिक्त समय क्यों दिया। सवाल नंबर 4, वित्त विभाग की आपत्ति के बावजूद ठेकेदार पर मेहरबानी क्यों की गई। सवाल नंबर 5, नियमों के मुताबिक स्टेट हाईवे पर कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा टोल लग सकता है, फिर 120 किलोमीटर में 6 टोल बूथ की स्वीकृति किस आधार पर दी गई। सवाल नंबर 6, टोल बूथ की संख्या कम करने के बावजूद 120 किलोमीटर पर 4 जगह वसूली करना कितना जायज है। सवाल नंबर 7,
झुंझुनू शहर की नाली के बदले कई कस्बों के लोगों पर टोल की मार क्यों? सवाल नंबर 8, जिस नाली का अनुबंध लिया गया वो पहले से मौजूद था, ऐसे में सिर्फ टोल बढ़वाने के लिए प्रपोजल लिया जाना कहां तक उचित है? सवाल नंबर 9, हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस सुनील अंबावनी के अनुसार 10% से अधिक बदलाव नियम के विरुद्ध है, इस मामले में इतने बदलाव क्यों किए गए? सवाल नंबर 10, नालियों के निर्माण से पहले ही सरकारी दस्तावेजों में नालियों के काम को पूरा होना कैसे दिखाया गया? सवाल नंबर 10, जब हकीकत में नालियों का निर्माण काम पूरा नहीं हुआ तो उसका भुगतान कैसे कर दिया गया? तो ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है और धांधली का पूरा खेल खुलता हुआ नजर आया। अब उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले के अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। लेकिन टोल की पोल खुलने के बाद अब आपको दिखाते हैं कैसे टोंक में अवैध खनन चल रहा है। करने वाला खुद अधिकारी है और सवाल उठने पर आरोपी खुद पत्रकार पर फर्जीवाड़े का सवाल खड़ा करता है। ये रिपोर्ट देखिए। टोंक में अवैध खनन का खेल कुछ ऐसा चलता है कि जिम्मेदार अधिकारी भी इस खेल की बेताज बादशाह बनना चाहते हैं। तभी तो पहाड़ी पर पोर्टलैंड मशीन चलती नजर आई, अवैध खनन होता दिखाई दिया और जब पड़ताल हुई तो पता चला कि इसके पीछे पुलिस महकमे के जिम्मेदार अधिकारी हैं। लेकिन अधिकारी साहब कहते हैं कि टोंक में फर्जी पत्रकार बहुत है। कई लोग फर्जी पत्रकार या फर्जी वसूली करने वाले भी आते रहते हैं, इसलिए उसने मेरे को फोन किया था। ठीक है, क्या मामला है साहब? इस तरह से कोई आए हैं खनिज विभाग बन के? वो अफसर, मैं खनिज विभाग से हूँ। फर्जीवाड़े के इस खेल के उजागर होने के बाद पत्रकार को फर्जी करार दे दिया गया। लेकिन मामले की गूंज अवैध खनन के ब्लास्ट की आवाज में दब नहीं पाई और तहसीलदार ने प्रारंभिक जांच में खनन को अवैध मान लिया। जाकर देखा तो उसमें ब्लास्ट तो नहीं था, मगर पहाड़ी खोदी जा रही थी तो उन लोगों को पाबंद कर दिया गया है। वैसे पटवारी हल्का जानकारी करने पर भी ये बताया कि ये खातिरदारी में है और शायद बुरे खांची है जिन्होंने लोटिंग की हुई है तो उनको पाबंद कर दिया गया क्योंकि खुदाई करना अवैध था। अवैध खनन का एक खेल प्रतापगढ़ के धरियावद में तैनात DYSP मोतीलाल मीणा की शह पर चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि ये जमीन खातिरदारी की है। ये जो मामला अवैध खनन बता रहे हैं, ये अवैध खनन नहीं है। हमारे वहाँ पे भाई ने कल कोई काम वाम करवाया था साफ सफाई प्लाट की, वो प्लाट है खातिरदारी का। चलिए जनाब, एक बार अगर ये भी मान लिया जाए कि जमीन खातिरदारी की है तो भी यहाँ पट्टा कौन लेगा? या फिर रसूखदारों के लिए पट्टा की प्राथमिकता बेईमानी होती है। तो पूरा जो लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया में आता है और दूसरा कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि वो खातिरदारी में है। तो अगर खातिरदारी लैंड भी है तो बिना किसी परमिशन के कोई भी खातिरदार अपनी जमीन में से इस तरह इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकता, खनन कार्य नहीं कर सकता। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषी जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियम में जो भी प्रावधान है उनके तहत कार्रवाई करेंगे। अब उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो और दोषी को जरूर सजा मिले, ताकि कोई ये ना कह पाए कि धांधली के इस हमाम में सब नंगे हैं। टोंक से जियाउद्दीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए, कहा जा सकता है कि कार्रवाई अगर हुई तो वाकई नजीर होगी। तो अभी तक कार्रवाई होती नजर नहीं आई, लेकिन आज प्रदेश के 3000 गांवों को पानी की कभी समस्या ना हो, इसके लिए आज कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में हुई, जिसमें सीएम राठी समेत कई मंत्री और सांसद शामिल हुए। कार्यशाला में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपना 6 महीने का वेतन, प्रदेश से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों ने 3 महीने का वेतन, विधायकों ने 1 महीने और RAS अधिकारियों ने अपने अपने कुछ दिनों का वेतन अभियान के लिए देने की घोषणा कर दी। उद्योग मंत्री ने जल अभियान को रिसर्जेंट राजस्थान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। तो वहीं जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी ने इस अभियान में जल मित्र के रूप में आम जन से काम करने की अपील। मुझे लगता है सबको ये फीलिंग हो रहा है क्योंकि 2 रुपए भी मेरा कमिटमेंट हो जाता है। मैं 2 रुपए दे रही हूँ तो मेरा कमिटमेंट है। मैं ये कह रही हूँ कि मनी नहीं है, हम लोग किस तरीके से इससे जुड़ते हैं। मैंने आपको बताया, सेवा को आपने एक छोटे रूप में देखा, कितना बढ़िया बन गया। क्या था, आप लोग भी थे, आप गए होंगे सेवा, कीचड़ था, कुछ भी नहीं था वहाँ, आज सरोवर है। इसी तरीके से आपके इधर पुष्कर में, इस तरीके से चंद्रभागा नदी में, आप अलग अलग जगह पे देख लीजिए और कितना फायदा हुआ और सबने मिलकर किया।
तो ऐसा अगर एक मैं तैयार समझती हूँ, राजस्थान अब तैयार है कि हम लोग सब मिलके अगर इसको करते हैं तो राजस्थान में चेंज होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो पहल करी है मुख्यमंत्री साहिबा ने, एक पूरी रिसर्च करने के बाद पहल करी है, जिसके अंदर सारे विभाग और न केवल सरकारी विभाग बल्कि हर गांव का व्यक्ति, हम सब उसके अंदर शामिल होकर एक ही दिशा में काम करें। और इसके लिए फंड्स की भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मुख्यमंत्री साहिबा ने खुद अपने 6 महीने की तनख्वाह इसमें लगाई है, केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी 3 महीने की तनख्वाह लगाई, सभी ने इसमें शामिल करा है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आह्वान, दलों की सीमाओं से आगे बढ़कर सभी लोगों को आमंत्रण, और उसका शानदार परिणाम देखने को मिल रहा है। आज सभी जनप्रतिनिधियों ने संकल्प लिया है कि राजस्थान के अंदर जल के प्रति समर्पित भाव से हमारे गांव की इकाई स्वावलंबित बने, इसके लिए तन मन और धन से वो काम करेंगे। दलों की सीमा के ऊपर सभी लोग एक राय होकर मुख्यमंत्री जी के साथ चले हैं। जल क्रांति, तो मैं कहता हूँ जन, ये जल क्रांति के साथ जन क्रांति भी है, जो सभी लोग मिलकर के राजस्थान के अंदर जब पानी का ये जल संग्रहण होगा तो जो वर्षों से अकाल के साथ जूझ रहा राजस्थान है वह उससे मुक्त होकर के एक नए उन्नति के आयाम छू सकेगा। इसके लिए जो जन सहभागीदारी का जो मुद्दा आया है, मुझे लगता है कि बहुत सराहनीय है। वाकई अगर पानी को बचा हर घर तक पहुंचा दिया गया तो यह मील का पत्थर साबित होगा। यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऐसे बेटे किसी को ना दे और इश्क का भूत कोर्ट में कैसे उतारा गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि जयपुर से मिल रही है। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में हंगामा हो गया और मंत्री हेम सिंह भड़ाना और गुर्जर नेता हिम्मत सिंह आपस में भिड़ गए। वजह क्या रही ये भी बता दें। बैकलॉग के मुद्दे पर हंगामा दोनों के बीच होता हुआ नजर आया और बैठक में जमकर नोकझोंक भी हुई है। इस दौरान गुर्जर नेताओं ने नौकरियों में बैकलॉग मांगा है और बैकलॉग के लिए कमेटी का बाकायदा गठन हुआ है। क्रिमिलेयर जो है उसकी सीमा बढ़ाने की भी मांग यहां पर की गई और 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने की मांग यहां पर कर दी गई है। इस दौरान आपको यह भी बता दें कि क्या क्रिमिलेयर की सीमा बढ़ाने पर कैबिनेट ही फैसला करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने सहयोगी पीयूष का। पीयूष, क्या कुछ अपडेट दे पाएंगे? देखिए, सचिवालय में बैठक चल रही थी, गुर्जर नेता भी इसमें मौजूद थे और जो उप कमेटी बनी हुई है सरकार की ओर से, मंत्री अरुण चतुर्वेदी, राजन माथौर और एम सिंह बनाना जो कि गुर्जर समाज से आते हैं। बैठक के दौरान ये मांग उठी हुई हिम्मत सिंह भेसरा जो कि प्रवक्ता भी है गुर्जर आरक्षण आंदोलन समिति के, उन्होंने मांग की जो क्रीमिलेयर है उसकी सीमा बढ़ाकर 6 लाख की जाए। और इसी मांग को लेकर जो हेम सिंह बनाना है और गुजर नेता हिम्मत सिंह के साथ नोकझोंक भी हुई और ये नोकझोंक इतनी बड़ी कि उसको शांत कराने के लिए अरुण चतुर्वेदी को पहल करना पड़ी और उन्होंने इन दोनों ही नेताओं को शांत कराया। हालांकि इसके बाद तय हुआ कि कमेटी का गठन किया जाएगा जो आने वाले दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी कि क्या क्रिमिनल लेयर जो है उसकी सीमा बढ़ाई जा सकती है और बढ़ाई जा सकती है तो किस हद तक बढ़ाई जाती है। तो इसी बात पर आश्वासन बना कि जो कमेटी है वो जल्द से जल्द आगामी 30 दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट अपनी सरकार को दे और सरकार उसके बाद गुजर नेताओं के सामने ये रिपोर्ट रखे। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको उस पिता से मिलाते हैं जिसने अपने सपनों को छोड़ बच्चों के भविष्य को आंखों में देखा और दोनों बच्चों को अधिकारी बना दिया, लेकिन जब पिता को बच्चों की जरूरत हुई तो पिता को ही अनाथ कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। शादी के बाद इश्क का फितूर एक बार फिर चढ़ा तो सामने आई ये तस्वीर, जिसको देखकर कोई हंस रहा था तो कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश में लगा। दरअसल पूरा खेल शादी और दोबारा शादी के बीच में फंसा। इश्क हुआ तो जमुना शादी करने कोर्ट में पहुंची। जब तक ससुराल वालों को खबर ना थी तब तक सब ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही खबर लगी तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आई। ससुराल वाले कहते हैं कि जमुना पति के साथ रह रही है, लेकिन 27 दिसंबर को घर से अचानक गायब हो गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन घर की बहू का कुछ पता नहीं चला और जब पता चला तो इश्क सरेआम तमाशा बन चुका था। भरतपुर से अजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार। चलिए आज की बात में फिलहाल इतना ही।